यह है पाकिस्तान का नंबर वन वेब चैनल। नाज़रीन, प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूँ सिद्रा सती। नाज़रीन, आज जिस मुद्दे पे हम बात करने लगे हैं वो है इस्लामाबाद के हवाले से। 14 अगस्त को, जैसे कि आप जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट एंड चेंज के साथ साथ आईसीडी एडमिनिस्ट्रेशन ने पॉलीथीन बैग पे जो है वो पाबंदी लगाने का जो फैसला लिया है उस पर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगी। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने आज हमें टाइम दिया और आप इस इम्पॉर्टेंट इशू पे हमसे बात करें। सर, ये बताइएगा कि किन किन चीज़ों पे कैटेगोरिकली जो है वो पाबंदी लगेगी? देखें, जो प्लास्टिक बैन के पास प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स के ऊपर जो पाबंदी लगी है, सबसे पहले तो इसके बारे में जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। लोग समझ रहे हैं कि शायद प्लास्टिक की हर चीज़ बैन हो गई है, चाहे शायद बॉटल्स भी बैन हो चुकी हैं, या कोई हैजर्डस वेस्ट जिसको रखा जाता है प्लास्टिक बैग में, शायद वो भी बंद हो गए हैं, या जो गार्बेज बैग्स होते हैं वो भी बंद हो गए। ऐसी बात नहीं है। ये जो बैन है ये प्राइमरीली सिर्फ उस चीज़ पर लगाया गया है कि लोग जब मार्केट जाते हैं तो सामान खरीदते हैं तो एक पॉलीथीन बैग में लेते हैं जिसको शॉपर कहा जाता है। बिल्कुल। और वो शॉपर का इस्तेमाल सिर्फ ये होता है कि उसको गाड़ी में रखते हैं, घर लेके जाते हैं और उसके बाद उसको फेंक देते हैं। सिर्फ उसका एक मिनट का फायदा होता है कि आपने दुकान से चीज घर लेके आनी है, ठीक है। और उसके बाद वो जो बैग है वो 600 साल तक हमारी एनवायरनमेंट में मौजूद रहता है। अच्छा। हमारे नालास को चोक करता है, हमारी पाइप्स को चोक करता है, हमारे मरीन लाइफ को खराब करता है, एक्वेटिक लाइफ को खराब करता है, हमारी जो एवरी जो हमारे बर्ड्स हैं उनको उनके लिए ये पॉइजनस होता है, हमारी जो सॉयल है उसको खराब करता है। यानी कि एक मिनट के फायदे के लिए, थोड़ी सी सहूलत के लिए हम 600 साल तक अपनी नस्लों का काम खराब कर रहे हैं। तो इस चीज पर प्राइमरीली बैन लगा गया है और उसके अलावा बाकी किसी चीज पर बैन नहीं लगा। बाकी चीजों के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि जब भी किसी ने कोई चीज यूज करनी है तो उसकी वो परमिशन ले लेगा। इसमें ये जो बायोडिग्रेडेबल बैग्स हैं वो भी अलाउड हैं, और जैसे हॉस्पिटल्स का जो वेस्ट होता है ऑब्वियसली वो कपड़े में नहीं रखा जा सकता या पेपर बैग्स में नहीं रखा जा सकता, वो इंसिनरेटर में प्लास्टिक बैग में लेके जाना होता है, उसकी लेकिन परमिशन ली जाएगी। और जब परमिशन ली जाएगी तो जो लिफाफा है जिसकी परमिशन होगी उसके ऊपर जो उसका बनाने वाला है, मैन्युफैक्चरर है, जो इस्तेमाल करने वाला है, उन दोनों का नंबर होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो प्लास्टिक शॉपर बैग्स हैं जो उसके बगैर होंगे, जिनके ऊपर नाम नंबर नहीं लिखा होगा, उनको खरीदना, उनको बेचना, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करना, उनकी स्टोरेज करना या उनको किसी तरह भी इस्तेमाल करना, उस पर बैन लग चुका हुआ है। और इसकी जो मिनिमम जुर्माना है वो 5 लाख रुपया तक का है, और फिर इसकी सजा भी है 6 महीने साल तक की सजाएं हैं कि अगर कोई बंदा बार बार ये काम कर रहा है तो उसको सजा दी जाएगी। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो दुनिया में पहली दफा की जा रही है, ये केन्या में हो चुका हुआ है, ये रवांडा जैसे मुल्कों में हो चुका है और बड़ा सक्सेसफुल हुआ है। और अगर आप कभी उनके मुल्कों में जाएं तो वो एयरपोर्ट पे उतरते साथ उन्होंने बैनर्स लगाए होते हैं कि जी ये चीज अलाउड नहीं है, आप ये ना करें। और इसकी वजह से उन्होंने अपनी अपनी सारी जो लाइफ है, बायोलॉजिकल जो उनकी पूरी एनवायरनमेंट है उसको बड़ा इंप्रूव किया है। इवन अमेरिका में कई सिटीज हैं और स्टेट्स हैं, सिटी गवर्नमेंट्स हैं जो ये बैन कर रहे हैं। अभी रिसेंटली, अभी हफ्ता पहले ही डेलावेयर ने बैन किया है और उस बैन को सही तरीके से चला रहे हैं। तो ये जो एक मिस अंडरस्टैंडिंग है कि ओहो पाकिस्तान की हुकूमत ने ये बैन लगा दिया और इसके बाद ये काम कैसे चलेगा, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। काम बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में चलता रहेगा। सिर्फ ये है कि जो शॉपर जो हमारे पूरे माशरे को गंदा कर रहे हैं उनकी एलिमिनेशन हो जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगी, जैसे कि आपने कहा कि उन पे प्रॉपर लिखा हुआ होगा शॉपर्स में, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस्लामाबाद में जो है वो इतनी ज्यादा ह्यूज, अब तो खैर बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन भी हो गई है, बहुत सोसाइटी जो है बढ़ गई है, तो ये इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होगा? नहीं, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए मुश्किल नहीं है। इंतजामिया के पास तमाम टूल्स मौजूद हैं, सिर्फ गवर्नमेंट की विल चाहिए होती है, अगर वो आ जाए तो काम हो जाता है। आप देखें कि लोग कहते थे कि इस्लामाबाद के अंदर एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन नहीं हो सकता, यहाँ पे आप कोई भी चीज तोड़ने जाए तो पीछे से कोई मिनिस्टर निकल आएगा, कोई ब्यूरोक्रेट निकल आएगा, कोई पता नहीं जर्नलिस्ट निकल आएगा। लेकिन इस्लामाबाद में हमने 15,000 कनाल जगह वहां गुजार कराई है, जिसमें से 1,000 एकड़ हमने फॉरेस्ट लैंड करवाया, जिसमें बड़े बड़े मैंशंस थे, प्लाजाज थे, पेट्रोल पंप्स थे, बड़े लोगों की चीजें थी जो हमने तोड़ी और वागुजार कराई। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की विल थी। तो इसी तरह ये अगर गवर्नमेंट की विल हो, जब गवर्नमेंट ने हमें कहा कि जी हमने प्राइस कंट्रोल करनी है रमजान के महीने में, तो हमने दूध है, चीनी है, पोल्ट्री, फिश, हर चीज की प्राइस कंट्रोल की, और जो नहीं करते थे, तोड़ते थे, तो उनको जेलों में भी भेजा जाता था और हैवी फाइन्स भी होते थे। प्लास्टिक के बैन के लिए अब हम उम्मीद करते हैं कि इसमें हमने इतनी अवेयरनेस क्रिएट की है और आप जैसे लोग जो है जो इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, अपने चैनल्स के थ्रू हमें बता भी रहे हैं कि सर ये आप लोगों में भी अवेयरनेस क्रिएट करें, तो मैं उम्मीद करता हूँ
کہ ہمیں اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, لوگ خود بخود ہی اس کو اڈاپٹ کریں گے. ضروری تو نہیں ہے کہ ہر کام ڈنڈے کے ساتھ ہی کرایا جائے. بالکل, اگر سمجھایا جائے تو لوگ اڈاپٹ کر لیتے ہیں, بات مان لیتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ 14 اگست کے بعد پہلے مہینے میں تھوڑی سی ہمیں سختی کرنی پڑے گی, اس کے بعد انشاءاللہ سب کے سب لوگ اپنی آئندہ نسلوں کی بہتری کے لیے اس موذی چیز سے اپنے آپ کو چھٹکارا حاصل کروائیں گے. میں ڈفرینٹ پیجز پہ دیکھ رہی تھی, ایون میں نے آپ کا پیج بھی وزٹ کیا تھا, تو آپ کے پیج پہ بھی لوگوں نے کامنٹ کیے ہوئے تھے کہ جو مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم پلاسٹک کے بغیر جو ہے نا وہ نہیں یوز کر سکتے. آپ لکوڈ دیکھ لیں, یوگرٹ دیکھ لیں, دیر آر لاٹ آف تھنگس مطلب جن کو ہم نہیں مطلب اپنی ڈیلی لائف کے لیے مطلب ہم یوز کرتے ہیں, تو اس کا لوگ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے مائنڈ میں یہ سوال ہے کہ وہ کیا کریں گے. کہ ان پہ تو بین نہیں ہے, یعنی کہ اگر آپ پلاسٹک باٹلز ہیں, پلاسٹک کے موبائلز ہیں, پلاسٹک کے ٹوائز ہیں, ان کے اوپر بین نہیں ہے. ان کے اوپر بین ہے ہی نہیں. صرف پلاسٹک کے جو بیگز ہیں, جو بیگز پولیتھین کے بنے, میں وہی آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ جو یوگرٹ اکثر جو دہی دکان سے ملتا تھا, ڈیری شاپ سے ملتا ہے, وہ اس ایک اسپیسیفک شاپر میں آتا ہے, اس کے لیے. ہاں نہیں, اب یہ جیسے لوگ جو ہیں, دیکھیں نا پاکستان کے اندر اور اسلام آباد کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ دودھ دینے جاتے ہیں تو ان کو لفافے میں ڈال کے گھما کے, بالکل ایسے ہی ہے. وہ دہی لینے جاتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں, چنا چاٹ لینے جاتے ہیں, بالکل یہ بینڈ ہے. اب دیکھیں, آل دو لوگوں کو مشکل ہوگی, تکلیف ہوگی, اب وہ کہیں گے جی یہ چیز ہم لے کے, اس کے لیے یہاں تو وہ برتن لیں گے, یا اس کے لیے پیپر بیگز لیے جا سکتے ہیں, یا اس کے لیے پلاسٹک کے کپس لیے جا سکتے ہیں. یعنی کہ یہ دیکھیں, یہ تو ایک ایسا فیصلہ ہے جو ہم نے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کرنا ہے. اس کے لیے کوئی اویئرنیس کا آپ لوگوں نے کچھ کیا ابھی تک؟ اس کے لیے اویئرنیس کے لیے تو ہماری دیکھیں, ابھی 5 اگست کو پرائم منسٹر صاحب ایک پوری کیمپین لانچ کر رہے ہیں جو پورے پاکستان میں چلے گی. 9 اگست کو پھر پرائم منسٹر صاحب ایک فنکشن کر رہے ہیں. ایون کل سنڈے ہے جس پہ مراد سعید صاحب اور منسٹر آف کلائمیٹ چینج جو ہیں وہ خود ایک فنکشن کر رہے ہیں. تو پورے میڈیا, سوشل میڈیا, ہر جگہ پر یہ ایک کیمپین سٹارٹ ہم نے کی ہوئی ہے, اور اس میں فارچونیٹلی جو پوری دنیا کے دوسرے ملکوں کے میڈیا ہیں انہوں نے اس چیز کو بہت اٹھایا ہے کہ پاکستان کے اندر پلاسٹک بین کیا جا رہا ہے, پاکستان کے اندر درخت لگائے جا رہے ہیں. تو یہ ایک ساری چیزیں جو پاکستان کا ایک بڑا پازیٹیو امیج دیتی ہیں کہ حالانکہ یہ غریب ملک ہے, اس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, اس کے باوجود یہ ایسا کام کر رہا ہے جس کا فائدہ پوری دنیا کو ہوگا. اب آپ اسلام آباد کی حد تک دیکھیں کہ صرف اسلام آباد میں جو ہم نے 6 مہینے کے اندر, 7 مہینے کے اندر 10 لاکھ درخت لگائے ہیں جو 4-4, 5-5 فٹ سے بڑے ہیں, اور وہ معاشرے میں آکسیجن دے رہے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ جو واپس لے رہے ہیں, اس کی وجہ سے اب یہ سائنٹیفکلی اس کا ڈیٹا تو میں اس کو آپس میں اس کو نہیں کر سکتا, لیکن جو ہم نے پیٹرن دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 4-5 سالوں میں جو بارش ہو رہی تھی اسلام آباد میں وہ 133 ملی میٹر ایوریج ہو رہی تھی پہلے 6 مہینوں میں, اس سال 147 ملی میٹر ہوئی ہے, یعنی کہ 17 ملی میٹر زیادہ بارش ہوئی ہے. یہ ٹری پلانٹیشن کی وجہ سے جو ہے وہ, مطلب اس کا سائنٹیفک ڈیٹا تو کوریلیشن کرنا مشکل ہے, لیکن میرا یہ بلیف ہے کہ ظاہری بات ہے جب اللہ کی آپ ایک مخلوق لگا رہے ہیں, ٹریز بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں, بالکل اللہ کی مخلوق لگا رہے ہیں, تو اللہ نے تو ہر مخلوق کو رسک دینا ہی دینا ہے. اور ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے کہ ہم نے اتنی ویریڈ جگہوں پہ درخت لگائے ہوئے, وہاں پہ ٹینکر لے کے جانا, پانی دینا, پھر اس کو جانوروں سے بچانا, پھر اسلام آباد میں سب سے بڑا دشمن درختوں کا دیمک ہے, اس کو دیمک سے بچانا, پھر ایکسٹریمیٹیز آف جو ویدر ہے, بہت گرمی بہت سردی پڑتی ہے اسلام آباد میں, اس سے بچانا ہمارے بس کا کام نہیں ہے, اس کے لیے بہت پیسہ چاہیے. تو ہم نے بسم اللہ کر کے درخت لگائے اور آگے اس کوشش کریں اس کو سیو کریں, لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس میں مدد کرتی ہے, بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں, اور خود درختوں کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ اگر وہ 10 درخت ایک جگہ پہ اٹھ جائیں تو وہ فارسٹ بن جاتا ہے, تو وہ خود بخود ریجنریٹ کرتا ہے, جو ہے وہ ٹھنڈک بھی پیدا ہو جاتی ہے. بالکل, بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے. یہاں پہ بریک کا وقت ہوا ناظرین, بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فارسٹ کے حوالے سے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ اب اسلام آباد میں آپ ایسا کیا کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ جب سے آپ جو ہے آپ نے ڈپٹی کمشنر کا یہاں پہ چارج لیا ہے تو بہت ساری چیزیں اچھی ہو رہی ہیں, جیسے کہ آپ نے انکروچمنٹ کی بات کی اور دیگر, وہ کہتے ہیں مافیا کو بھی آپ نے کنٹرول کیا ہے, جہاں پر روٹی نان کا بھی میں دیکھ رہی تھی کہ وہ زیادہ ریٹ میں دے رہے ہیں, تو آپ لوگوں نے وہاں پہ بھی جا کے جو ہے اس کو میک شیور کیا ہے کہ وہ چیزیں نہ ہوں.
तो ये बताएं कि अब नेक्स्ट आपका क्या लाया अमल है इस्लामाबाद के लिए? थैंक यू वेरी मच. देखें, हमने इस्लामाबाद के अंदर कई ऐसे लॉज थे जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे थे. पेट्रोल पंप्स को चेक नहीं किया जाता था, हमने उस पर रूटीन चेकअप किया. पब्लिक व्हीकल्स थी, उनकी चेकिंग नहीं होती थी. रूट्स के चेकिंग नहीं होते थे, लोग तंग होते थे, हमने उसको ठीक किया. और हमने अपनी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बढ़ाई ताकि लोगों से हमें फीडबैक मिलता रहे. लोग हमें डेली बताते हैं. आप इससे भी अंदाज़ा करें कि इस्लामाबाद में अगर एक जू के अंदर कोई भालू है, उसको बीमार हो गया, तो उसके लिए भी लोग मुझे अप्रोच करते हैं. तो बेसिकली हमने अपने आप को लोगों के सामने रखा हुआ है कि कोई भी मसला हो हमें बताएं, फिर हम कोऑर्डिनेट करें. जो हमारे बस में होता है वो हम करते भी हैं. तो हमने बड़ी सक्सेसफुल कैंपेन्स की हैं. हमने ड्रग्स को ख़त्म किया है इस्लामाबाद के अंदर. हमने स्कूल्स के अंदर बड़ी अवेयरनेस की कैंपेन्स की हैं. हमने क्वैक्स को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया हमने इस्लामाबाद में. अब आपको दो नंबर हॉस्पिटल्स नजर नहीं आएंगे, वरना वो बहुत ज्यादा चल रहे थे इस्लामाबाद में. तो हमारी जगह जगह उन्होंने दांतों का जगह जगह कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं वो डिलीवरीज हो रही हैं, कहीं पे वो ऑपरेशंस माइनर सर्जरीज भी कर रहे थे. वो हमने बड़ी कंट्रोल किए हैं क्योंकि कानून में उनकी इजाजत नहीं थी. लेकिन हमारी जो टॉप प्रायोरिटी है वो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला क्लाइमेट चेंज से जो इफेक्ट होना है, हमने अपनी प्रायोरिटी भी उसी तरह रखी हुई है कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सामने रखते हुए इस्लामाबाद के एनवायरनमेंट, इसमें वाटर कंजर्वेशन, इसमें सीवरेज ट्रीटमेंट और इसमें जो मरीन लाइफ है उसकी प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन, इसको हमने टॉप प्रायोरिटी पर रखा हुआ है. इसमें जो हमारा सबसे अच्छा काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हम बड़े प्राउडली वो कह सकते हैं कि हमने जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको मजबूर किया है कि वो अपने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं. तो E11 में जितनी हमारी प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं, पहली दफ़ा हुआ है कि अब वो अपना पानी गंदे नालों में डायरेक्ट नहीं फेंकेंगे, बल्कि वो उसको सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में लेके आएंगे, वहाँ पर उसको क्लीन करके आगे बेचेंगे. दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा सक्सेसफुल काम हुआ है, जिसमें चेयरमैन CDA को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर पूरा एक लैंड जो है अलॉट किया है फॉर लैंड डंपिंग. नॉर्मली जो हमारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट थी वो सारी की सारी डंप हो रही थी ऐसी जगहों पे जहाँ पे सेक्टर्स ने बनना था. अब हमने एक ऐसी साइट ढूंढी जहाँ पे क्वेरिंग होती रही थी, माइंस एंड मिनरल्स निकाले गए थे तो वो नेचुरली उसमें गड़े हैं. तो उस साइट को हमने कन्फर्म कर लिया, वहाँ पर ही हमारी इंशाल्लाह सारी लैंडफिल होगी, सॉलिड वेस्ट वहाँ पर जाएगा और वहीं पे हम लीज आउट कर रहे हैं एनर्जी प्लांट्स, ताकि वही जो गंद है उसी को वो कन्वर्ट करें टू एनर्जी और उसका इस्तेमाल करें. अच्छा, उससे ये है कि बिजली का जो मसला है वो भी सॉल्व होगा, एनर्जी बनेगी और ये ग्रीन एनर्जी होगी. अच्छा, ये चीज़ बताइएगा कि आपने जैसे अभी हम पॉलीथिन बैग्स की बात कर रहे थे, अच्छा जो अब गवर्नमेंट की तरफ से और ICT की तरफ से जो दिए जाएंगे बैग्स, मुझे ये बताएं कि ये आप लोग खुद देंगे या क्या होगा इसका? नहीं, हमने इसमें प्राइवेट सेक्टर को इंगेज किया है. जो प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अपने ब्रांड्स के अपना इश्तिहार लगा के वो 1 लाख के करीब बैग्स जो हैं पूरे इस्लामाबाद में फ्री ऑफ कॉस्ट तकसीम करेंगे. साथ ही साथ हमने इस्लामाबाद चैम्बर के साथ मीटिंग की और जो कि मीडिया में भी बड़ी हाईलाइट हुई थी, इस्लामाबाद चैम्बर के कुछ लोग हैं जिन्होंने खुद प्लांट लगाने शुरू कर दिए. ठीक है, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए मंदरा में और इधर उधर जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वहाँ पर प्लांट्स लगाए जहाँ पे स्टिचिंग होकर ये मार्केट में आ जाएंगे. अच्छा, हम इसको फ्री इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि जो चीज़ फ्री दी जाती है लोगों को उसकी ओनरशिप नहीं होती. वो एक दफ़ा फ्री बैग लेंगे, लेके आएंगे, फेंक देंगे, फिर ढूंढते रहेंगे हमें फ्री दें. हम ये चाहते हैं कि लोग एक दफ़ा 100 रुपीज़ खर्च करें और अपना बैग लें और फिर जब भी ग्रोसरी करने जाएँ तो वो उसी को लेके आएँ. और ये बड़ा मुश्किल काम है, जाहिर बात है, इसके लिए कल्चरल चेंज चाहिए. और उसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप इकोनॉमिक्स के थ्रू प्ले करें. जब एक आप ग्रोसरी स्टोर पे जाएंगे या आप किसी मॉल में जाएंगे और वहाँ पे प्लास्टिक नहीं होगा और जब वो आपको बैग में डाल के देंगे तो वो बैग के पैसे आपसे चार्ज करेंगे. ठीक है, तो जब हर बंदे को हर दफा शॉपिंग के ऊपर 100 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली वो अपना बिहेवियर चेंज करेगा, वो अपना खुद जो है वो खुद ब खुद इसमें चेंज करेगा. तो हम इसी पे फोकस कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि उम्मीद है कि लोग इसमें कोऑपरेट करेंगे और वो इसमें हमारा साथ देंगे. अच्छा, कुछ लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें पता है कि शॉपर, तो आपको पता है कि हर घर की ज़रूरत है, हमारे घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हमारी हर चीज़ जो है ना उसका वो शॉपर की मोहताज है. इवन आप ब्रांड्स देखें, उन्होंने तो खैर जो है वो कागज़ के बैग्स जो इंट्रोड्यूस किए हैं, लेकिन उनके इवन बैग्स होते हैं जिनमें वो क्लोदिंग भी होती है, तो वो भी तो दिखे ना कि वो हर चीज़ में यूज़ हो रहा है. तो मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतने वास्ट लेवल पर कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा. देखें, 8 से 50 साल पहले प्लास्टिक बैग्स नहीं होते थे तो लोगों की ज़िंदगी चल ही रही थी ना. अब 50 साल में पूरी दुनिया के लोगों ने ये देखा कि ये प्लास्टिक बैग्स ऐसी इन्वेंशन है जिसने सब कुछ तबाह कर दिया, तो हमें इसको ठीक करना पड़ेगा. देखें, अगर कोई भी इंसान अपनी फ्यूचर की बेहतरी के लिए कुर्बानी देने को तैयार नहीं होता, अपनी कम्फर्ट जोन से निकल के वो अनकम्फर्ट जोन में नहीं आएगा तो चीज़ें इंप्रूव नहीं हो सकेंगी. इसके लिए हम उनको अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि देखें, एक जो प्लास्टिक बैग है वो 600 साल तक एक प्लास्टिक बैग, और हम डेली 10 इस्तेमाल कर रहे हैं हर घर वाला. और हम 600 साल का मतलब ये कि हम आने वाली, मतलब हमने तो क्यामत तक ही बुकिंग कर ली है कि हमारी कोई नस्ल बच ना सके. तो ये मुश्किल है.
लेकिन अगर इसमें हमारी नीयत साफ है, हकूमत की इंटेंशन बिल्कुल ठीक है, इसमें देखें हमारा तो कोई बेनिफिट नहीं है, ये तो हमारी आगे वाली नस्लों का बेनिफिट है, कोई इसमें हमें टैक्स नहीं मिल रहा, कोई इसमें हकूमत के कोई अफसरों की कोई इज्जत उस तरह तो नहीं बढ़ रही, मुश्किल काम है, लेकिन इसमें लोगों को करना पड़ेगा। जहाँ तक आपने कहा है कि जरूरी चीज़ें हैं, जरूरी चीज़ों की इजाज़त है इसमें, जैसे कि हमारे जो हैजर्डस वेस्ट जितना है वो प्लास्टिक बैग में जाता है, या आपके घर का जो कचरा है वो आप प्लास्टिक बैग में ही डालते हैं, उनकी इजाज़त है क्योंकि वो एक जगह पे जा रहे हैं ना, स्पेसिफिक जगह पे, स्पेसिफिक जगह पे जा रहे हैं, फिर उनको रिसाइकल करने का एक तरीकाकार है, उनके लिए स्पेशल साइट्स आइडेंटिफाई की गई हैं। लेकिन अगर हम कहें कि जी क्योंकि हम इसके अलावा हमारा काम नहीं चलता, तो ये मेरे ख्याल से ये आर्गुमेंट ठीक नहीं है, ये हमें काम तो चलाना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, आखिर में कोई आप नाज़रीन को मैसेज देना चाहें इस हवाले से? मैं इस हवाले से तमाम आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 14 अगस्त मनाने जा रहे हैं और 14 अगस्त पे जो आप प्लास्टिक के झंडे इस्तेमाल करते हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वो ना खरीदें। वो झंडे एक तो पाकिस्तान में नहीं बनते, वो बन के भी चाइना से आ रहे हैं, तो आप उसकी जगह सब्ज रंग के झंडे से बेहतर है कि आप सब्ज रंग का दरख्त लगाएं और अपने फ्यूचर और पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी को इम्प्रूव कराएं। मैं आप सब लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हमारी क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन में पूरी तरह पार्टिसिपेट करेंगे और इस आज़ादी के दिन में आप प्लास्टिक से भी आज़ादी को मनाएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हमजा साहब आपका, आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, और इसी के साथ मैं सिदरा सत्ती इन साइड से चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।